अगर आपके आमाल होंगे, अगर आपने कोई अच्छा काम किया है दुनिया में और करते रहे कंटिन्यू। देखिए महलात तो बनाते हम जन्नत में, महलात हम बनाते अपने आमाल से, लेकिन बाज आमाल ऐसे जो महलात को तोड़ भी देते। क्या बोल रहा हूं? आपने बनाया तस्बीहात अरबा पढ़ने से अल्लाह तुम्हारा को महल जन्नत में एक महल बनाता। तस्बीहात अरबा की कसरत से तिलावत करो, सुभान अल्लाह वल्हम्द बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, कसरत से तिलावत करो 24 घंटे पढ़ते रहो अल्लाह के। ये 4 नाम ऐसे अल्लाह के, इतने इंपॉर्टेंट नाम है 99 नेम्स में से, ये 4 नाम ऐसे है। पूरे नाम अल्लाह के अपनी जगह पे बराबर, मैं कोई कंपेयर नहीं कर अल्लाह के नामों से, हर नाम उसका बड़ा है। लेकिन ये 4 नाम ऐसे कि जिसको वाजिब नमाज में रख दिया, नहीं 3rd and 4th रकत में वाजिब नमाज में आप ये तस्बीहात अरबा पढ़ लें। अल्लाह के दूसरे नाम भी है, रहमान भी है, रहीम भी है, करीम भी है, आप ये भी ले सकते हैं, लेकिन कहा नहीं ये 4 नाम लेना दूसरे नाम। तो इंपॉर्टेंस देखो इसकी कि तस्बीहात अरबा कितनी इंपॉर्टेंट है, कि अगर तुम तस्बीहात अरबा जो वाजिब नमाज में पढ़ो, क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बताइए इतनी। आप खाली ये देखो, आप तस्बीहात अरबा में क्या पहला क्या बोलते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप कभी भी कोई अच्छी चीज को देखते हैं फौरन बोलते हैं सुभान अल्लाह, ये बोलते हैं ना दुनिया में सुभान अल्लाह। सबसे पहले चीज उसकी तारीफ कि तू सबसे अच्छा है, सुभान अल्लाह। फिर फौरन आपने क्या किया इसमें, उसका शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह बोला, जो सबसे बड़ी नेमत है शुक्र। सुभान अल्लाह उस पहले बोला, उसकी तारीफ की, फिर शुक्र किया, थैंक यू बोला। उसके फौरन बाद आपने उसकी वहदानियत की गवाही दी, जो सबसे ज्यादा अल्लाह को पसंद है। अल्लाह कहता मैं सबको माफ करूंगा, जो शिर्क करेगा माफ नहीं करूंगा। यहां पे ला इलाहा इल्लल्लाह बुलवाया, ये 3 नाम हो गए। अब उसके बाद अगर तुम दुनिया में बड़ा बनना चाहते, बॉम्बे में चाहते कि हर आदमी तुम्हारी इज्जत करे, हर आदमी तुमको बोले तुम सबसे बड़े, हर आदमी आपके मकाम को आपको इज्जत दे, बुलंदी पे लेके जाए, तो कौन सा नाम अल्लाह का लेना है, अल्लाह अकबर। तुम उसको बड़ा करो, अल्लाह तुमको बड़ा कर देगा। اللهم عجل وليك الفراج